तो हाय फ्रेंड्स, मेरी आंखों का हाल देखो, अभी काफ़ी हद तक सुधार है, बट रेडनेस है वैसे ही। ये वाला आइज भी ठीक है। तो आज मैंने छोटा वीडियो बना ले, काफ़ी टाइम से आप लोग को हेयर स्टाइल की वीडियो नहीं दे पा रही। आज मैं आपको साड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना के दिखाऊंगी। तो फॉर्म लेके आती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं फॉर्म ले आई हूँ एंड मेरे बालों का लेंथ आपको दिख ही रहा है। एंड मैंने जो कलर किया है बालों में, इस कलर का पूरा डिटेल में वीडियो बना के डाला हुआ है। तो अगर आपको ये कलर करना है, कौन सा कलर है, क्या है, सब कुछ बारीकी से क्या क्या चीज़ों का की सावधानी बरतनी पड़ती है इस कलर को अप्लाई करने के लिए, सब कुछ है उस वीडियो में, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो हेयर स्टाइल जो करूँगी वो मैं करूँगी यहाँ से सेंटर पार्टीशन से कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी के लिए है, मेरे कपड़ों में मत जाएगा। अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो ये वाला हेयर स्टाइल रहेगा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट। सेंटर पार्टीशन मैंने इस तरीके से किया है, माइक ऑन है ना, कई बार मेरी माइक ऑफ हो जाती है और मैं वीडियो बनाते रहती हूँ, फिर बाद में मुझे आवाज़ ऐड करनी पड़ती है, जो कि डबल मेहनत का काम हो जाता है। इस तरीके से क्राउन एरिया पर से हेयर को लिया है मैंने। इस तरीके से कॉम कर लिया हल्का सा, इसके से आगे की तरफ सिलते हैं एंड एक छोटा सा पफ बनाएंगे। पफ को सिक्योर करने के लिए एक क्लिप का यूज कर रही हूँ, आप बॉबी क्लिप भी लगा सकते हो। सिल्किंग के लिए पफ को सिक्योर कर लिया है, कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपका आपको हेयर स्टाइल अच्छे से दिखाई दे। जहाँ भी आपको लगे कि पफ थोड़ा अच्छे से नहीं बना, वहाँ पर आप इस तरीके से क्लिप करते हो। अब हम लोग यहाँ से फ्रेंड चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है एक एक पास देखने के लिए, बट वीडियो बनाना भी ज़रूरी है तो मैं बना रही हूँ, और फ़ोन वगैरह को देखने के लिए, टीवी वगैरह सब कुछ मना किया हुआ है। आई फ्लू फैला हुआ है तो वही है ये भी। यहाँ से इस तरीके से हेयर कर रही हूँ, काफ़ी शॉर्ट कट कर दिया मैंने अपने बैंग, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है हेयर स्टाइल को बनाने में। थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है एंड ऐड करते जाना है अपने हेयर स्टाइल के अंदर दोनों साइड से। तो इस तरीके से दोनों साइड से हेयर प्रोवाइड करते जाएंगे और हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे। बहुत प्यारा लगेगा अगर आप साड़ी डाल दो, तो ये हेयर स्टाइल एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बैक तक जहाँ पे अपनी पफ का क्लिप लगाया है वहाँ तक आपको छोटी को बनाना है। और इस तरीके से उसके ऊपर रख के बॉबी टिकटा क्लिप से सिक्योर कर दूंगी। ओके, तो अभी दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बनाना है।
आठवीं क्लास में इसको डिवाइड करेंगे। अब आ जाती है साड़ी पहन रहे हैं तो साड़ी करके छोड़ सकते हो, बट अगर आपको बंद बनाना है तो आप क्या करोगे, आप साड़ी वालों को इसका काउंटर लेना है। ठीक है, रबड़ लेंगे, रबड़ बैंड कॉपी लगा लेंगे, उसके बाद आपको कॉमेंट लेना है। दोनों बंद कॉस्टिंग चल रही है, दो तीन की मदद से। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लिया लेना है, दैन उनको टू पार्टी डिवाइड करके, इनके लिए आप अपनी दैन थ्री पार्टी डिवाइड करके टोटी बना लेंगे। साड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बंद डाली मात्रा, अगर आप साड़ी डाल दें तो ये ट्राई कर सकते हो। एंड तक लगा देंगे, बूते के बाद से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, जैसे कि जो हमारे पीछे चोटी है वो तुम खींच लेंगे दोनों टाइप से, हल्को आपस में करेंगे रोल रोल करके दोनों बंदों पर रखेंगे और ये तुम की मदद से इसको करेंगे सिक्योर। ऐसे ही आपको पूरे दोनों डंडों को हाइट करना है। करीब बात हो रहा है, काम लेते हैं और दोनों डंडे ऊपर से रखेंगे और नीचे से चिपका देंगे, एक रोंगी दो नीचे ऐड कर लीजिएगा, एक को पानी खुल जाएगा और आपका जो बैठा है वो खराब हो जाएगा। वही थोड़ा अच्छे से बोल देने की जितनी आपको वॉकिंग है उतनी भी नॉर्थ एंड साइड से देख लीजिएगा। ऐसे ही रोल करके पूरे डोनट को करेंगे हाइट। ओके, और बहुत अलग आपको देख सकते हो यहाँ पे। और मैं हमारा देखा जो कम्प्लीट होने वाला है, अच्छे से घूमते जाएंगे बनाते जाएंगे हेयर स्टाइल को। तो फिर मैंने थोड़ा सा डिपेंड होता है कितना लोग को डिमांड दे रहे हैं कि सर कितना स्टाइल हेयर स्टाइल बताइए, तो उनके लिए स्टाइल भी लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, अब हम एक यहाँ पे सेट करना है नीचे भी, और जो बच्चे भी हेयर हम क्या करना है उनको बताऊँगी। यस, मैं अभी मैंने वीडियो की शुरुआत करके बड़े अच्छे से ये नाउ एंड मैं आपको ये बता दूंगा शॉर्ट वाले ठीक है, वीडियो जैसा बनाने की वीडियो तो ये अंदर अभी वीडियो में बंद कर देंगे और सारे बहुत
जो बाइक मरा दिख रहा था वहाँ बोले बंदा जो बाइक दिख रहा था मगर लगा देंगे एक दो में दो फिट ऐड करेंगे। अब जो सेंटर का हेयर बचा है उसको फिटली तरीके से फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसको रोल करेंगे और भी जो सेंटर में दोनों बन के सेंटर में इसको लगा देंगे जिससे कि जो हमारा हेयर स्टाइल है और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत दिखाने के लिए आप कर सकते हेयर फ्रेंचेस हेयर इस हेयर डेकोरेटिंग टीम वगैरह तो ये हमारा साड़ी के लिए बिल्कुल सा बन बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। सेल्फ है तो प्लीज मेहनत रखिए, लाइक करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। ठीक है, हाँ कई लोगों को मेरा हेयर कलर पसंद नहीं आया तो लाइफ में ट्राई करते रहती हूँ नेक्स्ट टाइम। वैसे ये जैसे वॉश करूँगी ना तो ये नेचुरल जैसा मेरा हेयर कलर होता है वैसा ही हो जाता है। फर्स्ट टाइम से जैसे मैंने तुरंत अप्लाई किया और तुरंत आप लोगों को दिखाया तो उस टाइम हो सकता है कि मेरे पसंद आता है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लगने लगता है ये हेयर स्टाइल, सॉरी हेयर कलर भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई डिमांड है हेयर स्टाइल से रिलेटेड, हेयर कलर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक की वीडियो जरूर लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मेरी ब्लॉग वीडियो देखने के लिए सेकंड चैनल पर जाइए, PHTY2 सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इजीली जाके सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो। PHTY24 मेरा इंस्टा आईडी है तो वहाँ पर मेरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। Bye-bye.